श्री राम समर्थ अगस्त 7। भगवान के स्वरूप का परिचय नाम से ही होता है। केवल शास्त्र पठन से होने वाले ज्ञान की अपेक्षा भक्ति निश्चित श्रेष्ठ है। भक्ति यानी परमात्मा स्वरूप के प्रति परम प्रेम, कर्म ज्ञान और योग साधन है। जबकि भक्ति साध्य है। कर्म मार्ग में मन केवल कर्म ठीक करने के हिसाब में अटक जाता है, इसलिए शुद्ध कर्म मार्गी कर्मठ और जड़ हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। योग में वृत्तियों को रोकने और संयम से बांधने की कोशिश करनी पड़ती है। वृत्ति शांत होने पर मन शून्याकार होता है और वृत्ति को रोकने वाले के मन में भगवान के प्रति प्रेम होगा ही, यह नहीं कहा जा सकता। ज्ञान मार्ग में आत्म अनात्म विचार प्रधान होता है, इसलिए उसमें बुद्धि की सामर्थ्य पर बड़ा जोर पड़ता है, किंतु माया का जोर बड़ा विलक्षण होता है। वह साधक को कब धोखा दे दे इसका कोई भरोसा नहीं होता। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। ज्ञान मार्गी मनुष्य को अभिमान की बाधा जल्दी होती है। वह यह मानकर चलता है कि केवल मेरा ही मत सही है। ज्ञानी मनुष्य जगत को माया कार्य मानता है, यानी जगत मिथ्या है ऐसा समझता है। परमात्मा यदि सर्वत्र सर्वव्यापी है तो यह जगत भी उसी से समाया है, इसलिए भक्त इस सृष्टि को मिथ्या न मानकर भगवान की लीला मानता है। उसे इस सृष्टि में सर्वत्र भगवान की महिमा, उसकी विभूतिमत्ता और उसका आनंद भरा दिखाई देता है। सृष्टि में व्याप्त सौंदर्य, माधुर्य, मनोहर भाव, पवित्रता और प्रेम देखकर जीव मोहित होता है, किंतु सृष्टि में व्याप्त विभूति रूपों की उपासना करके जीव की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि विभूतियां साक्षात भाव नहीं होती। अतः भगवान के साक्षात गुणों की और भावों की आवश्यकता होती है और उनकी प्राप्ति से जीव की तृप्ति होती है। किंतु हाँ, सौंदर्य और माधुर्य से भरा यह संसार भगवान का ही रूप है, यह समझ में आने के लिए उसे भगवान का नाम देना जरूरी होता है, क्योंकि यदि उस रूप को भगवान का नाम न दे तो वह रूप किसी मायावी राक्षस का भी माना जा सकता है। कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक आकार के बर्तन बनाता है। हर बर्तन में मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं होता, फिर भी हर बर्तन का नाम अलग होता है। तुकाराम महाराज इतने बड़े संत हो गए, लेकिन भगवान सर्वत्र व्याप्त है यह जानकर भी उन्होंने विठ्ठल भगवान को राम नहीं कहा या दत्तात्रेय को महादेव नहीं कहा। संसार भगवान से भिन्न नहीं है। संसार में दिखाई देने वाले सब रूप भगवान के हैं, किंतु रूप की पहचान नाम से ही होती है। प्रत्यक्ष आकार धारण कर जो अनेक रूप बने, उनका विलय भी हुआ तो भी उनका नाम अभी बना हुआ है, यानी नाम देश और काल की मर्यादा से परे होता है। अतः नाम रूप की अपेक्षा अधिक सत्य है, और जो सत्य है वह श्रेष्ठ होता ही है। सत्य वस्तु पहचानना ही परमार्थ है। आज का मुख्य विचार, भगवान के रूप जहाँ से आते हैं वहाँ नाम का अस्तित्व होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.